हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम फुल पोर्शन टेस्ट जो सेकंड हुआ था उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे। सारे ही एमसीक्यू 50 के 50 एमसीक्यू मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूं। तो जो नए बच्चे इसको देख रहे हैं वो क्या करेंगे, पॉज करके हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे एंड देन सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। और जिस भी बच्चे को जिस सवाल में डाउट था उस सवाल पे स्लाइड करवा के वीडियो, वो वीडियो सॉल्यूशन आप देखना, पूरा वीडियो देख के टाइम पास मत करना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो क्या करने वाले हम आज के लेक्चर में, आज के लेक्चर में जो फुल पोर्शन टेस्ट नंबर 2 था हमारे सीसीसी का, उसका पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं और प्रॉपर डिस्कशन करेंगे सारे एमसीक्यू सॉल्व करके, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या बोल रहा है, अ वायर हैविंग मास m, एक वायर है जिसका मास m है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है, लेंथ l है, इसका वॉल्यूम कितना है v, एंड यंग्स मॉडुलस कितना है y, is extended by length L, मतलब change in length भी कितनी है L है, and release if the whole elastic energy goes on increasing the temperature, then increase in temperature of the wire is, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनो, elastic energy का use किया गया है किसके लिए, to raise the temperature के लिए। तो temperature raise करने के लिए तो heat लगती है, क्यों, तो एनर्जी कितनी आएगी, हमें पता है बेटा एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, 1/2 इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू, या 1/2 इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, मेरे भाई स्ट्रेन का स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, सही है, या फिर और एक फॉर्म में होता है, मान लो स्ट्रेन के फॉर्म में हमें लेना है तो स्ट्रेस को रिप्लेस करेंगे, स्ट्रेस को कैसे रिप्लेस करेंगे, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, सारी चीजें डिटेल समझा रहा हूं ध्यान से सुनो। तो स्ट्रेस के जगह क्या रखोगे, स्ट्रेस के जगह हम रख देंगे यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन रखेंगे, तो ये स्ट्रेस रिप्लेस हो जाएगा 1/2 इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, और इंटू स्ट्रेन मतलब स्ट्रेन का स्क्वायर, और बेटा धीरे से ये वॉल्यूम को इधर शिफ्ट कर दो तो एनर्जी क्या हो जाएगी, U इज इक्वल टू 1/2 इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, ठीक है ना, इतनी एनर्जी, तो 1/2 इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, ये जो इलास्टिक एनर्जी मिली इसका यूज करके टेम्परेचर बढ़वाया गया, टेम्परेचर बढ़वाया गया मतलब हीट क्यू, ठीक है, 1/2 का 1/2, यंग्स मॉडुलस का यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, और हीट को क्या लिख सकते हो, एम एस डेल्टा टी, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनो, एक्सटेंशन प्रोड्यूस कितना है एल, ओरिजिनल लेंथ भी कितना है एल, तो बेटा होगा क्या, ये वाई बाय टू इंटू चेंज इन लेंथ इज एल, ओरिजिनल लेंथ इज एल, इसका स्क्वायर इंटू वॉल्यूम को क्या लिखोगे, वॉल्यूम को वॉल्यूम ही रखेंगे बिकॉज वॉल्यूम दिया हुआ है और ऑप्शन में भी वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, और ये एम एस इंटू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, हमें क्या पता कर रहा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ही पता करना है, मतलब डेल्टा टी पता करना है, ठीक है। तो बेटा देखो ये एल एल कैंसिल हो गया, वन का स्क्वायर वन, तो हमें डेल्टा टी बताना था, तो डेल्टा टी क्या हो गया, देखो यहाँ बचा यंग्स मॉडुलस इंटू वॉल्यूम, यंग मॉडुलस इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 2 इंटू एम इंटू एस, तो ये आपका आंसर रहेगा, यंग्स मॉडुलस इंटू वॉल्यूम बाय 2 एम एस, यंग्स मॉडुलस इंटू वॉल्यूम बाय 2 एम एस, समझ आया, मतलब जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला था उससे हमने एनर्जी पता कर लिया, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम को उधर खिसका दिया और ये फॉर्मूला यूज किया, और यही एनर्जी से हमने टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट जनरेट की, हीट का फॉर्मूला कॉपी किया एंड सॉल्व करते गए, तो आ गया इसका आंसर क्या होना है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। फटाफट आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है, ये एक पाइप है, इसमें हमें ग्राफ बनाना है किसका, प्रेशर वर्सेस डिस्टेंस का, बहुत सिंपल सी बात है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे एक एक्सिस बना लेता हूँ, ओके, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, तो डेफिनेटली यहां का एरिया ज्यादा है, यहां का एरिया ज्यादा है तो यहां की स्पीड कैसे होगी, कम होगी, और बर्नौलीज के कंडीशन से हॉरिजॉन्टल पाइप के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, जहां पर स्पीड कम होती है वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, जहां पे स्पीड कम होती है वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, इसीलिए तो एरोप्लेन का कंडीशन समझाया था मैंने आपको, जिसका एरिया ज्यादा वहां की स्पीड कम तो प्रेशर ज्यादा, तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, देखो
यहां तक के लिए x और इसके आगे के लिए x के लिए, तो बेटा देखना यहां का एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा तो स्पीड कम तो प्रेशर ज्यादा, और यहां के लिए क्या बोलोगे, सर यहां का एरिया कम है, एरिया कम है तो स्पीड ज्यादा, स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम, तो इतने रीजन में प्रेशर कम होगा, इतने रीजन में प्रेशर ज्यादा होगा, तो पहले ज्यादा प्रेशर देन सडनली कम प्रेशर, ऐसा ग्राफ आना चाहिए, पहले ज्यादा प्रेशर फिर कम प्रेशर, पहले ज्यादा प्रेशर फिर कम प्रेशर, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर वन, क्लास में भी मैंने आपको ये सॉल्व करवाया था, ठीक है, जहां का एरिया ज्यादा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से वहां की स्पीड कम, जहां की स्पीड कम वहां का प्रेशर ज्यादा, तो यहां की स्पीड, यहां का प्रेशर ज्यादा यहां का प्रेशर कम, तो इसका क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल सही है, ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है बेटा, क्या होता है एक बात बताओ, ये क्या बोल रहे हैं, कॉन्स्टेंट हाइड्रोलिक स्ट्रेस, तो बेटा डीपी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ओके, स्ट्रेस जो बल्क स्ट्रेस होता है या वॉल्यूम स्ट्रेस होता है डीपी, वो क्या दिया है, कॉन्स्टेंट, हम जानते हैं बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, डीवी बाय वी, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, क्या हो जाएगा, डीवी बाय वी इज इक्वल टू डीपी बाय बीटा, अब ये तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, हमें क्या बोला गया है, डीपी कॉन्स्टेंट है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस कैसा है, कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट को अगर आपने हटा दिया तो क्या बचेगा बेटा, डीवी बाय वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय बीटा, बीटा इज बल्क मॉडुलस, डीवी बाय वी इज इक्वल टू वन बाय बीटा, डीवी बाय वी इज इक्वल टू वन बाय बीटा, ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट, ये ऑप्शन नंबर टू आ गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, जब ये जाके इससे टकराएगा, कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, बेटा जी इन इलास्टिक कोलिजन में दो पार्टिकल एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 1/2 इनटू प्रोडक्ट ऑफ मास m1 m2 डिवाइडेड बाय सम m प्लस m, प्रोडक्ट ऑफ मास डिवाइडेड बाय सम, दोनों का मास कैसा है सेम, इनटू u अप्रोच का स्क्वायर, ये इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी 0 है बिकॉज़ ये रेस्ट है, u अप्रोच क्या हो जाएगा v माइनस 0 होल स्क्वायर, ये क्या हो गया लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 1/2 ka स्क्वायर, 1/2 के स्क्वायर, यहाँ का जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, तो बेटा हाफ से हाफ कैंसल, ये क्या हो गया m स्क्वायर बाय 2m इनटू v स्क्वायर इज इक्वल टू के ए स्क्वायर हो गया, अब आगे क्या करोगे, देखो क्या कैंसिल होता है, एक एक मास कैंसिल, तो हमें एम्पलीट्यूड बताना था, एम्पलीट्यूड ऑफ SHM बताना था, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर बन गया बेटा आपका एम वी स्क्वायर बाय 2k, तो अगर आप इस स्क्वायर को उधर भेज दोगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो a बन जाएगा आपका v स्क्वायर का रूट निकल जाएगा, v अंडर रूट ऑफ m बाय 2k, दिस विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM, v अंडर रूट ऑफ m बाय 2k, v अंडर रूट ऑफ m बाय 2k, v अंडर रूट ऑफ m बाय 2k, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर रहेगा, ये देखो बेटा जी ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5, देखो क्या बोल रहा है, टू पेंडुलम्स एट रेस्ट स्टार्ट स्विंगिंग, ये भी मैंने आपको समझाया था, शॉर्ट पेंडुलम एंड लॉन्ग पेंडुलम, ध्यान से सुनो बेटा ध्यान से सुनो, पीरियड t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ l बाय g, तो पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट लेंथ, तो जिसकी लेंथ ज्यादा उसका पीरियड भी ज्यादा, जिसकी लेंथ ज्यादा उसका पीरियड भी ज्यादा, तो लॉन्ग पेंडुलम का पीरियड ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कम होंगे, शॉर्ट वाले के नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा होंगे, हमें किसके नंबर ऑफ ऑसिलेशन बताना है, लॉन्गर ऑसिलेशन के, ठीक है ना, तो यहां याद रखना बेटा, लॉन्ग लेंथ ज्यादा तो पीरियड भी ज्यादा, लेंथ ज्यादा तो पीरियड भी ज्यादा, हम क्या बोलेंगे टी ऑफ शॉर्ट टाइम टेक, फिर से फेज में आने के लिए क्या बोलेंगे, टाइम टेकन बाय शॉर्ट पेंडुलम इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय लॉन्ग पेंडुलम टोटल टाइम, लेकिन बेटा याद रखो जो शॉर्ट पेंडुलम है वो एक ऑसिलेशन ज्यादा करेगा बिकॉज उसका पीरियड कैसा है कम है तो ज्यादा ऑसिलेशन करेगा, तो लॉन्ग पेंडुलम कितने ऑसिलेशन करेगा n, n इंटू पीरियड ऑफ लॉन्ग पेंडुलम, और ये एक ऑसिलेशन ज्यादा करेगा, शॉर्ट पेंडुलम एक ऑसिलेशन ज्यादा करता है, तो n प्लस 1 इंटू पीरियड ऑफ शॉर्ट पेंडुलम, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 पीरियड ऑफ शॉर्ट पेंडुलम, पीरियड का फॉर्मूला t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट l,
तो शॉर्ट पेंडुलम की जगह मैं रूट ऑफ लेंथ ऑफ शॉर्ट पेंडुलम रख सकता हूं, यहां पे n रूट ऑफ लेंथ ऑफ लॉन्ग पेंडुलम कर देता हूं। सिंपल सी बात है, बिकॉज पीरियड जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसकी लेंथ ज्यादा उसका पीरियड ज्यादा, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम, तो लॉन्ग पेंडुलम कम बार घूमेगा, तो लॉन्ग पेंडुलम के साथ n रहेगा तो शॉर्ट पेंडुलम के साथ एक ऑसिलेशन ज्यादा रहेगा। ओके, तो हमें n बताना है, तो n प्लस वन अंडर रूट ऑफ शॉर्ट पेंडुलम की लेंथ कितनी है 1, और ये n लॉन्ग पेंडुलम की लेंथ कितनी है 1.44। तो क्या हो जाएगा फिर, ये n प्लस वन इज इक्वल टू 1.2n हो जाएगा, प्लस उधर जाके माइनस, तो 1 इज इक्वल टू 1.2n माइनस n, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1 इज इक्वल टू 0.2n, तो n कितना हो जाएगा 1/0.2, तो इस हिसाब से n हो जाएगा 10/2, तो मतलब कितना आ जाएगा 5, तो कितने वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा ये 5, तो लॉन्ग पेंडुलम कितने वाइब्रेशन कितने ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा 5, और शॉर्ट पेंडुलम एक ऑसिलेशन ज्यादा कंप्लीट कर देगा, तो 5 और 1 6, लेकिन हमें किससे किसका पूछा है लॉन्ग, समझ आ गया, तो इस हिसाब से करेंगे ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, फटाफट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो ये SHM ऐसे होता है, ये होता है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस a, x इज इक्वल टू माइनस a, ठीक है ना, निगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन, तो ये होता है a बाई टू का मार्क और ये होता है माइनस a बाई टू का मार्क। टाइम स्लॉट सबको याद है, इसको जो टाइम लगता है वो होता है T/12, ये भी टाइम कितना होता है T/12, इसके आगे का जो टाइम होता है बेटा ये होता है T/6 और ये टाइम कितना होता है T/6। हमें क्या पूछा है देख लेते हैं, द टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम 0 to a/2 इज T1, 0 to a/2 इज T1, मतलब बेटा T1 हो गया T/12 एंड a/2 टू a कितना है T/2, तो T2 हो गया T/6, तो इसको आगे प्रोसीड करता हूं मैं, क्या लिखूंगा T/6 × 2, सही है कि नहीं, T/6 × 2, जरा ध्यान देना बेटा, T/6 को मैं T2 रख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा दैट विल बी T2/2, तो इस हिसाब से 2 को अगर इधर ले लूंगा तो क्या हो जाएगा T2 = 2T1, ऐसा ऑप्शन है क्या, देखो T1 = गलत बात है, T1 = 2T2, ये भी गलत है, बच्चों को लगता है ऐसा है तो ऐसे हो जाएगा, नहीं होता बेटा, जो एग्जैक्ट है वही आंसर होगा, ये भी गलत है, तो T2 T1 के डबल है, ये ऑप्शन उसमें है नहीं, लेकिन एक ऑप्शन ये है कि T2 ज्यादा है T1 कम है, देखो T2 ज्यादा है T1 कम है, ये ऑप्शन है, तो हम इस ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, तो ये हमारा 100% करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बच्चों को क्या लगता है T2 = 2T1 नहीं है, तो इसका उल्टा हो जाएगा T1, गलत बात है, ठीक है ना भाई, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सही है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो, जो इंटेंसिटी होती है इट इज इक्वल टू 2π² f² a² ρv, f मतलब क्या बेटा फ्रीक्वेंसी, a मतलब एम्पलीट्यूड, a क्या होता है एम्पलीट्यूड, रो क्या होता है डेंसिटी, रो इज अ डेंसिटी, और v क्या होता है स्पीड, ठीक है, ये होता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला। हमें क्या निकालना है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a² f² a इज एम्पलीट्यूड, f इज फ्रीक्वेंसी, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, ये पहला वेव है ये दूसरा वेव है, तो बेटा I1/I2 इज इक्वल टू a₁/a₂² × f₁/f₂² जरा ध्यान से देखो बेटा, पहले का एम्पलीट्यूड कितना दिया गया है 5 डिवाइडेड बाय, दूसरे का एम्पलीट्यूड कितना दिया गया है 2 इसका स्क्वायर इनटू f₁/f₂, पहले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, पहले की फ्रीक्वेंसी देखो ये इतने टाइम में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट किए इसने 1, तो पहले की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, लेकिन दूसरे की फ्रीक्वेंसी देखो 1, 2 ऑसिलेशन कंप्लीट किए हैं इसने इतने टाइम में, इसको अगर हम पीरियड मान ले, एक पीरियड में पहले ने एक ऑसिलेशन पूरा किया है और दूसरे ने 2, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, तो दूसरे की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 इसका स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर आना चाहिए 25/16, ऑप्शन नंबर 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, सही है, फटाफट आगे बढ़ते बेटा बिना टाइम गवाए, देखो
Three transverse waves are as shown in figure. Standing wave can be obtained by. देखो, standing wave बनने के लिए हमें क्या चाहिए? दो identical wave चाहिए, दो exactly identical wave चाहिए. एक positive x direction में जानी चाहिए, दूसरी negative x direction में जानी चाहिए. मतलब दो exactly identical wave चाहिए जो opposite direction में travel करते हैं. Okay? तो देखो बेटा, z1, z2, z3. z1 a cos kx minus omega t, a cos kx plus omega t. बिल्कुल सही है. ये Z1 क्या है? This wave is traveling along, दोनों का साइन अगर अपोजिट होता है तो negative, तो ये कहां चढ़ रहा है? Negative x-axis पे, negative x-axis पे. और ये कहां चढ़ रहा है? दोनों का सिंबल सेम है, दोनों का सिंबल, अच्छा सॉरी, दोनों का सिंबल अगर अपोजिट है, एक का प्लस एक का माइनस, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है. और दोनों के साइन अगर सेम है तो कहां जाता है? निगेटिव डायरेक्शन में, निगेटिव x-axis पे. तो यहां से क्लियरली समझ आ रहा है कि ये वेव दोनों का नेचर कैसा है? सेम है. दोनों का एम्पलीट्यूड कैसा है? सेम है. दोनों की वेवलेंथ कैसी है? सेम है. दोनों का पीरियड कैसा है? सेम है. और एक कहां जा रहा है? ये वेव कहां जा रहा है? दिस इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. और ये कहां जा रहा है? निगेटिव एक्स एक्सिस. तो इन दोनों से स्टेशनरी वेव बन सकता है. लेकिन यहां देखो बेटा, ये के वाई बोल रहा है, मतलब इन्होंने एक्सिस ही बदल दिया. समझ आ रहा है? सो दिस वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस. तो इन दोनों का पाथ सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारी कंडीशन कौन सेटिस्फाई करेंगे? ये दोनों वेव. मतलब ए और बी को मिला के क्या बन जाएंगे? स्टेशनरी वेव. सी का क्यों स्टेशनरी वेव नहीं बनेगा? सी बी के साथ भी इंटरफेयर करके स्टेशनरी वेव नहीं बना सकता, और सी ए के साथ भी इंटरफेयर करके स्टेशनरी वेव नहीं बना सकता, क्योंकि ये दोनों एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं, ये वाई एक्सिस पे चल रहा है. तो इससे स्टेशनरी वेव्स नहीं बनता है. स्टेशनरी वेव्स कब बनता है? जब दो एग्जैक्टली आइडेंटिकल वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव्स, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे अलोंग द सेम पाथ. तो इसका पता लगे तो इससे किसका सवाल ही पैदा नहीं होता. तो कौन सा ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. क्या बोल रहा है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ये सब दिया गया है. हमसे क्या पूछा है भाई? हमसे पूछा है एम्पलीट्यूड. कोई टेंशन नहीं. देखो, अभी अभी मैंने इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा था. आई इज इक्वल टू 2π² एफ स्क्वेर ए स्क्वेर रो वी. इस हिसाब से ए स्क्वेर क्या हो जाएगा? आई अपॉन 2π² एफ स्क्वेर रो वी. देख लो इंटेंसिटी कितनी दी गई है. इंटेंसिटी है 8 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 2 का 2, पाई स्क्वेर को 10 दे लेता हूं मैं, एफ स्क्वेर फ्रीक्वेंसी का स्क्वेयर. फ्रीक्वेंसी कितनी है? कहां गई फ्रीक्वेंसी? 5 किलो हर्ट्ज. मतलब 5 का स्क्वेयर 25, किलो मतलब 10⁻³, उसका स्क्वेयर 10⁻⁶ इंटू डेंसिटी. रो कितनी है रे? डेंसिटी देखो 1.2 दिया गया है, 1.2 इंटू वी मतलब स्पीड होता है. स्पीड कितना है? 330. ये आंसर है ए स्क्वेयर का. हमें इसका रूट लेना होगा. कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है. ओके, तो देखो एक काम करते हैं. 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8. तो क्या हो गया ये? 4 × 10⁻⁶. अब क्या करेंगे बेटा? देखो ये 6 और ये 7 और ये एक 8, तो प्लस 8 ऊपर जाके माइनस 8, 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय, ये कितना बचा? 25. ये कितना बचा? 1.2. और कुछ बचा क्या? यस, कितना? 33. ठीक है, तो माइनस 8 और माइनस 4 कितना हो गया? माइनस 14. देखो ये हो गया 4/25 इंटू 33 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 × 36, 3 ऊपर 3, 12 × 36, 37, 38, 39, 39.6 हो जाएगा ये. सही है ना? 39.6 इंटू 10⁻⁴. सही है, 8, 10 और 14, 10⁻⁴. ये क्या आ रहा है? ए स्क्वेयर. लेकिन ए अगर लेंगे तो यहाँ रूट चढ़ाना होगा, यहाँ रूट चढ़ाना होगा. ठीक है, अब देखो सिंपल कैलकुलेशन करते हैं. 4 का रूट 2, 25 का 5, और इसको 36 ले लेते हैं, 36 का 6 इंटू 10⁻⁷ कर देते हैं. ठीक है, अच्छा माइनस 7. तो अब क्या हो गया बेटा? देखो ये 2, 6, 5 = 30, कितना हो गया? 30 इंटू 10⁻⁷. इसको काट दो तो माइनस 7 का माइनस 8 हो जाएगा, तो 2/3 इंटू 10⁻⁸, ये मीटर में आएगा. ऑप्शन में देखो सब जगह नैनोमीटर दिख रहा है आपको, तो मैं क्या कर देता हूँ इसको 20/3 इंटू 10⁻⁹ मीटर कर देता हूँ. तो इसको क्या लिखूंगा मैं? नैनोमीटर. क्या लिखूंगा? नैनोमीटर. तो 20/3 मतलब 3 × 1 = 3, 6 = 18, 6 point something नैनोमीटर आ रहा है. तो देखो यहाँ दिख रहा है 6 point something नैनोमीटर. ठीक है, अप्रोक्सीमेशन से आंसर अपना बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है.
समझ आ रहा है? तो जो भी नए बच्चे अगर इसको देख रहे होंगे तो क्या करना, पॉज करके पहले सॉल्व करना एंड देन इसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ये देखो क्या बोल रहा है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। देखो भाई, क्लोज पाइप ओपन पाइप, क्लोज पाइप का आवाज ओपन पाइप जितना मेलेडियस नहीं होता, बिकॉज क्लोज पाइप में एन 3N, 5N, 7N सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं। ओपन पाइप मतलब फ्लूड का आवाज मेलिडियस होता है, बिकॉज सारे हार्मोनिक्स होते हैं, सारे हार्मोनिक्स होते हैं, ठीक है? क्या बोल रहा है ध्यान से सुनो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप, क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप, इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है? क्लोज पाइप की ये फ्रीक्वेंसी और ओपन पाइप की ये फ्रीक्वेंसी सेम है, लेंथ ऑफ ओपन पाइप इतना है तो हमें क्लोज पाइप की बताना है, कोई टेंशन नहीं बेटा। देखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप इज इक्वल टू टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ टू इंटू एन ऑफ ओपन पाइप। तो जो क्लोज पाइप होता है बेटा उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वी बाय फोर एल सी इज इक्वल टू टू, और ओपन का क्या होता है वी बाय टू एल ओ, वी बाय टू एल ओ, ओपन पाइप के लिए वी बाय टू एल ओ। तो ये वी से वी कैंसल, टू से टू कैंसल, तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, तो एल ओ इज इक्वल टू क्या हो गया फोर एल सी। आपको किसकी लेंथ दी गई है? ओपन पाइप की लेंथ कितनी है 50, ओपन पाइप की लेंथ कितनी 50, हमें क्लोज पाइप की पता करनी है। तो अगर 50 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो आंसर आ जाएगा 12.5 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, ठीक है? स्टेशनरी वेव का सवाल है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 11th सवाल। देखो बेटा, बहुत सिंपल सी चीज है, देखो इस पे मैंने फोर्स एफ लगाया, इसका एक्सेलरेशन ए है, मुझे इसका एक्सेलरेशन पता करना है, लेट इसका एक्सेलरेशन कितना है a2, ठीक है? तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 बाय m1 प्लस m2, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, नेट फोर्स बाय टोटल मास, टोटल मास m1, m1 का मास कितना है m, इसका एक्सेलरेशन कितना है a, प्लस m2 उसका मास कितना है 2m, उसका एक्सेलरेशन कितना है a2 जो हमें पता करना है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मतलब m प्लस 2m कितना 3m, और ये नेट फोर्स बाय टोटल मास, एक ही फोर्स लगाया है कितना F, और टोटल मास कितना है m प्लस 2m कितना 3m इज इक्वल टू ma प्लस 2ma2, ये पता करना है, डिवाइडेड बाय 3m। तो बेटा होगा क्या, देखो ये 3m से 3m कैंसिल, प्लस ma इधर आके माइनस ma, तो क्या हो जाएगा F माइनस ma इज इक्वल टू 2ma2, तो इसको इधर भेज दो बेटा, तो a2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा F माइनस ma बाय 2m, F माइनस ma बाय 2m, F माइनस ma बाय 2m, ठीक है? कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखो यहां चलते हैं, हमें क्या करना है, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स बताना है, कोई टेंशन की बात नहीं है, 1 kg का ब्लॉक है, इधर क्या लगेगा 10 N का फोर्स, 10 N, 1g, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो ये एक फोर्स हो जाएगा, ये एक फोर्स हो जाएगा, ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, एंड पीछे क्या लगेगा फ्रिक्शन, क्या लगेगा फ्रिक्शन, तो ये क्या हो जाएगा 10 sin 37, और ये क्या होगा 10 cos 37। हमें रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स चाहिए, मतलब नॉर्मल रिएक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, इन दोनों का नेट यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं एफ नेट बोल देता हूँ। तो बेटा एफ नेट क्या आ जाएगा, बहुत आसान है सर, एफ नेट जो होगा दो परपेंडिकुलर फोर्स का रिजल्टेंट है, उसमें से एक है नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा है फ्रिक्शन, ठीक है? तो सबसे पहले मैं नॉर्मल रिएक्शन पता कर लेता हूँ, यहाँ से सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, नॉर्मल रिएक्शन क्या है 10 cos 37, 10 into cos 37 क्या होता है 37, मतलब सामने की साइड छोटी, adjacent by hypotenuse 4/5, सही जा रहे हैं ना अपन, cos 37 सामने की साइड छोटी, तो 4/5, 5 2 10, 4 2 8, ये आ गया तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, अब व्हाट अबाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता है म्यू एम जी कॉस थीटा, मतलब या फिर म्यू एन बोल दो सीधे सीधे, म्यू कितना है रे 0.5, देखना भाई म्यू कितना है 0.5, और नॉर्मल रिएक्शन ये एम जी कॉस थीटा कितना आया 8, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 × 8, मतलब ये हो जाएगा 4, ठीक है ना, ये आ गया 4 न्यूटन। तो भाई नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दोनों आ गया हमारे लिए,
फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन दोनों आ गए, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अंडर रूट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन का स्क्वायर, नॉर्मल रिएक्शन का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर, फ्रिक्शन कितना है बे, अरे सॉरी नॉर्मल रिएक्शन 4, चलो क्या फर्क पड़ता है, 8 का स्क्वायर 8 मतलब 64, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 4 इंटू 16, 16 फोर जा 64, तो अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 16, अरे देखना भाई ये 4 16 ये 1 16, 4 और 1 5 16, तो 16 का रूट 4, 5 का नहीं निकलता, तो 4 रूट 5 विल बी द आंसर बेटा, 4 रूट 5 विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ वाटरफॉल, ये देखो देखो जो भी मान लो क्या है, यहाँ पे एक वाटरफॉल है, वाटरफॉल है ओके, ऐसे एक वैली है, यहाँ से वाटर गिर रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो होगा क्या बेटा, मान लो ये वाटरफॉल की हाइट कितनी है h, तो यहाँ पे इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी mgh, वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ के काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी mgh, तो ये पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ के काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, और ये काइनेटिक एनर्जी जो है इसका यूज हम कर रहे हैं टेम्परेचर रेज करवाने के लिए, तो टेम्परेचर रेज करवाने के लिए चाहिए हीट, तो बेटा mgh इज इक्वल टू यहाँ क्या लिखेंगे mc delta t, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कभी s से रिप्रेजेंट करते हैं कभी c से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा t क्या है रिक्वायर्ड चीज है रेज इन टेम्परेचर, तो मास से मास कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो डेल्टा t क्या हो गया gh by c, जहां भी gh by c होगा वो आंसर आएगा जूल में, लेकिन यहाँ पे j से डिवाइड किया है, j से डिवाइड किया मतलब कैलोरी में आंसर होगा, तो gh by jc, जे मतलब मैकेनिकल इक्विवेलेंट होता है, इसकी वैल्यू 4.2 होती है, तो जूल वाले आंसर को अगर आप 4.2 से डिवाइड करेंगे तो कैलोरी में आ जाएगा, बस फर्क यह है कि ये आंसर किसमें होगा कैलोरी में, और ये जो जी एच बाय सी है बेटा ये आंसर किसमें होगा जूल में होगा, तो जी एच बाय जे सी इज द करेक्ट आंसर, जी एच बाय जे सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14 देखो क्या बोल रहा है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्या सवाल है ध्यान से सुनो, हमारे पास ना एक सिंपल पेंडुलम है, इसको हमने यहाँ पे वेलोसिटी दे दी, कितनी वेलोसिटी दे दी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3gl ओके, तो भाई साहब ये यहां तक गया हॉरिजॉन्टल, फिर हॉरिजॉन्टल के भी ऊपर चला गया यहां तक, और यहां से आगे अब ये स्लैक होने वाला है, स्लैक होने वाला है मतलब टेंशन जीरो होने वाला है, लेट दिस एंगल इज थीटा, मान लो ये एंगल कितना है थीटा है, इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूं ऐसे करके ओके okay, और यहाँ पे इसको अगर कंटिन्यू कर लूंगा तो ये लेंथ कितनी है L, ये भी लेंथ कितनी है L, यहाँ से यहाँ तक कितनी है L है, ये एंगल थीटा है तो ये इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी L cos थीटा, मानते हो कि नहीं, ये L L तो क्या हो जाएगा L cos थीटा, अच्छा इसका वेट कहाँ एक कर रहा है नीचे, कितना mg, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करूंगा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के टू माइनस के वन, अच्छा दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2, लेट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट दिस पॉइंट इज वी, तो सर यहाँ जाके ये स्लैक होने वाला है बिल्कुल, तो स्लैक होने वाला है तो यहाँ स्पीड नहीं होगी, स्पीड होगी बेटा, यहाँ टेंशन कितना हो जाएगा जीरो, जब स्ट्रिंग में टेंशन नहीं होगा तो रस्सी स्लैक हो जाएगी, मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी है वी है, तो यहाँ वर्क कौन कर रहा है ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू के टू, के टू मतलब यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस के वन मतलब यहाँ की काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी वन स्क्वायर यहाँ की स्पीड कितनी है अंडर रूट ऑफ 3gl उसका स्क्वायर मतलब 3gl आ जाएगा, बहुत बढ़िया, अच्छा वर्क कौन कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ग्रेविटी वर्क कर रही है, वेट नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो वर्क डन कैसे आएगा निगेटिव, फोर्स कितना लगा mg, तो निगेटिव mg, और हाइट कितनी यहाँ से यहाँ तक गया ना, तो l प्लस l cos थीटा, तो l को कॉमन ले लो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम 3gl, अब क्या करोगे भाई, अब बेटा सबसे पहले तो मास कैंसिल कर दो, मास 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 कैंसिल, ठीक है भाई इसको मल्टीप्लाई करो अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा माइनस जीएल, माइनस जीएल, माइनस जीएल कॉस थीटा इज इक्वल्स टू इधर क्या बचा वी स्क्वायर बाय टू, और वो जो माइनस थ्री बाय टू जीएल है इधर आके प्लस थ्री बाय टू जीएल, तो थ्री बाय टू जीएल यहां लिख देता हूं इसको, ठीक है अच्छा, तो डेढ़ में से एक गया आधा बचा मतलब ये क्या बच गया GL by 2 minus GL cos theta is equal to V square by 2, बेटा सब इक्वेशन को दो से मल्टीप्लाई करके दो को निपटा दो, GL minus 2GL cos theta is equal to V square, बहुत बढ़िया ये एक इक्वेशन हो गया, ठीक है अच्छा अब देखना बेटा जब बॉडी यहां पहुंचती है तो यहां पहुंचने पर टेंशन जीरो हो जाता है, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा, तो इसका इधर कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा
एम जी कॉस थीटा, सही है कि नहीं? एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, तो ये एम जी कॉस थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या लिख सकता हूं मैं? एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय एल। रेडियस कितनी है? एल के जितनी। तो मास और मास कैंसल, तो इसको इधर ले लो, तो वी स्क्वायर क्या बन गया? वी स्क्वायर बन गया एल जी कॉस थीटा। तो इस वी स्क्वायर को रिप्लेस करो, क्या हो जाएगा फिर? जरा ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, बी केयरफुल, देखो क्या हो जाएगा। ये क्या बचा? जी एल माइनस टू जी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये वी स्क्वायर की जगह क्या रख दिया आपने? जी एल कॉस थीटा। ये माइनस टू जी एल इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो टू जी एल कॉस थीटा प्लस जी एल कॉस थीटा, थ्री जी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू जी एल। अब जी एल जी एल गए हो तो क्या हो गया बेटा? कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाई थ्री, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ वन बाई थ्री। थीटा कितना हो गया? कॉस इनवर्स ऑफ वन बाय थ्री। तो अब जो एंगल डिस्क्राइब होगा वो कितना होगा? पाई बाय टू प्लस दिस एंगल थीटा डैश, पाई बाय टू प्लस थीटा डैश। लेकिन वैल्यू किसकी आई? थीटा की आई। अब कैसे एडजस्ट करेंगे? सेपरेट स्लाइड पे चलते हैं, सेपरेट स्लाइड पे चलते हैं, जरा ध्यान देना बेटा। हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई? कॉस थीटा की वैल्यू आई 1/3। लेकिन जो एंगल डिस्क्राइब है, यहां से देखो, ये 90 प्लस थीटा डैश है, तो रिक्वायर्ड एंगल आंसर, आंसर जो है हमारा आंसर जो है वो है पाई बाय टू प्लस थीटा डैश है, ठीक है भाई। लेकिन देखो थीटा प्लस थीटा डैश भी 90 डिग्री है, थीटा प्लस थीटा डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा डैश क्या लिख सकते हो? 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो एक इमेजिनरी ट्रायंगल बना लेते हैं, बना लिया ट्रायंगल, इसको थीटा बोल देते हैं, ये 90 हो जाएगा, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, मतलब डेफिनेटली ये क्या बन जाएगा? थीटा डैश, ठीक है। अच्छा, कॉस थीटा कितना है हमारे पास? एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। इस हिसाब से बेटा, इसी ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा डैश लेता हूं, साइन थीटा डैश, तो क्या आएगा? फ्रंट साइड बाय हाइपोटेनियस। तो थीटा डैश क्या हो गया? साइन इनवर्स ऑफ 1/3 हो गया। थीटा डैश कितना हो गया? साइन इनवर्स ऑफ 1/3। देखो अब आपका जवाब क्या है? सर जवाब है हमारा पाई बाय टू प्लस थीटा डैश। तो पाई बाय टू प्लस थीटा डैश कितना है? साइन इनवर्स ऑफ 1/3। पाई बाय टू प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/3, पाई बाय टू प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/3। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर टू इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। फटाफट आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 15 क्या बोल रहा है? वर्नियर कैलिपर हमें क्या पता करना है? देखो, कैलकुलेट मिनिमम इन एक्यूरेसी द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। बेटा मिनिमम एक्यूरेसी मतलब लीस्ट काउंट पूछ रहा है वो, ठीक है ना। तो वर्नियर स्केल ये समझ में आना चाहिए भाई, ये सब डिटेल में पढ़ा चुके हैं हम। तो लीस्ट काउंट पता करना है, क्या पूछ रहा है? 50 डिविजन्स कोइंसाइड विद 49 मेन स्केल डिविजन, 50 मेन स्केल डिविजन कोइंसाइड विद 49 वर्नियर स्केल डिविजन। और मेन स्केल डिविजन का साइज कितना है? मेन स्केल डिविजन है 0.5 mm। बस आपको कंफ्यूज क्या किया है? डायरेक्ट लीस्ट काउंट पता करो नहीं बोला, क्या बोला? मिनिमम इन एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। मिनिमम इन एक्यूरेसी मतलब लीस्ट काउंट। बेटा जी क्या होता है लीस्ट काउंट का फॉर्मूला? होता है MSD - VSD, ठीक है। MSD का MSD प्रॉब्लम, MSD है ही नहीं, प्रॉब्लम VSD है। तो VSD के जगह क्या चिपकाएंगे? 49 को इधर ले लो, क्या हो जाएगा? 49 मेन स्केल डिवीजन 49। अच्छा यहाँ गड़बड़ कर दी हमने, यहाँ गड़बड़म अति समर्पयामी हो गया है, देखो भाई ये ऐसे बेटा 49 मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 50 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह क्या रख सकते हो? दिस इंप्लाइज वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 49/50 मेन स्केल डिवीजन। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे रख दो 49/50 क्या है? मेन स्केल डिवीजन। दोनों से कॉमन क्या निकलेगा? मेन स्केल डिवीजन, अंदर क्या बचेगा? 1 - 49/50। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? मेन स्केल डिवीजन कितना है भाई? मेन स्केल डिवीजन कितना है? 0.5 mm, 1 - 49/50 मतलब 1/50 हो जाएगा ये। तो ये 500, 5 1 1, 5 1 1, 500 मतलब 0.1/10 mm। तो ये क्या हो जाएगा? 0.01 mm, 0.01 mm, 0.01 mm।
ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं फटाफट, देखो सिंपल सी चीज है, क्या बोल रहा है, अज्यूम एंगुलर वेलोसिटी इंडिकेट क्लॉकवाइज रोटेशन। ओके, तो सिंपल सी चीज है, अगर निगेटिव ओमेगा है तो क्लॉकवाइज, ओके, एंड अगर पॉजिटिव ओमेगा है तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है भाई, ग्राफ कौन सा है, थीटा बाय टी, तो थीटा बाय टी का स्लोप क्या देगा, स्लोप इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा बाय डी टी मतलब ओमेगा, तो स्लोप से क्या आने वाला है सर, स्लोप से ओमेगा आने वाला है। इस लाइन को देख के क्या बोल सकते हो, सर ये लाइन ना 90 से कम एंगल बना रही है, थीटा इज लेस देन 90, तो स्लोप कैसे रहेगा, पॉजिटिव, स्लोप कैसे रहेगा, पॉजिटिव, तो स्लोप पॉजिटिव मतलब ओमेगा पॉजिटिव, एंड ओमेगा पॉजिटिव मतलब कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन सा, द बॉडी रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अच्छा क्लॉकवाइज कब होता, जब लाइन ऐसे होती, तब ये जो एंगल होता ये थीटा कितना 90 से बड़ा होता, तो इसका जो स्लोप होता वो कैसे होता, निगेटिव, और निगेटिव होता तो क्या बन जाता फिर, क्लॉकवाइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दो ऑप्शन नंबर टू आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, हमें क्या पता करना है कि ये बॉल जाके इससे टकरा के वापस आ जाएगा, इस पॉइंट के अबाउट हमें चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पता करना है, क्या पता करना है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू वेक्टर एल टू माइनस वेक्टर एल वन। बहुत बढ़िया, तो एल क्या होता है सर, एल होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। यहां देखो ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो बाहर का एक्स एक्सिस होगा, अंदर का निगेटिव एक्स एक्सिस होगा, तो ये जो बॉल है ये इधर जा रहा है बेटा, तो ये हो गया एम वी का डायरेक्शन। ओके, तो कैसे करते हैं हम, जिस पॉइंट के अबाउट बोला है वहां से एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, तो ये हो गया वेक्टर आर, वेक्टर आर देखो, ये वेक्टर आर, वेक्टर आर, वेक्टर आर क्रॉस एम वी, वेक्टर आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, तो अंदर की तरफ है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किधर है, अंदर की तरफ, तो वेक्टर एल वन हो जाएगा एम वी, एम वी इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दिया गया है ए, एम वी ए, देखो ना ये आर क्रॉस पी, ये आर है ये पी है, आर क्रॉस पी अंदर, अंदर मतलब निगेटिव आई डायरेक्शन। अच्छा अब ये जब ये भाई साहब जाके इससे टकराए और टकरा के अब वापस आ रहे हैं इसी पे है, सर सिर्फ बता रहा हूं सेपरेट, टकरा के वापस आ रहे हैं, तो ये आर, आर, आर क्रॉस पी पहले किया था, लेकिन अब क्या करेंगे, देखो ये आर ऊपर है, अब मोमेंटम किधर है, इधर आ रहा है ना, इधर आ रहा है, ये ऐसे चल के आ रहा है इधर की तरफ। ओके, तो ये मोमेंटम क्या रहेगा, एम वी रहेगा, लेकिन ये प्लस एम वी, तो ये माइनस एम वी, तो देखो बेटा ये आर, आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी बाहर की तरफ, बाहर मतलब पॉजिटिव आए, तो वेक्टर एल टू क्या हो जाएगा, एम वी ए प्लस क्या फैक्टर आए। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज यहां चिपका दो, डेल्टा वेक्टर एल चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एल टू कितना है, एम वी ए क्या फैक्टर आए माइनस, ये क्या है, एम वी ए निगेटिव क्या फैक्टर आए माइनस माइनस प्लस, तो टू एम वी ए आना चाहिए, टू एम वी ए क्या फैक्टर आए, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर टू इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर टू इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 18th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट एक्सिस इज जीरो, नेट टॉर्क जीरो है, तो क्या बोल रहा है, द फोर्स मस्ट नॉट एक्ट रेडियली, गलत, द फोर्स मस्ट नॉट एक्ट रेडियली, हमें क्या पता करना है, मस्ट नॉट एक्ट रेडियली, मस्ट नॉट नहीं हो सकता, रेडियली एक्ट होंगे तब भी टॉर्क जीरो हो जाएगा, द फोर्स मस्ट नॉट एक्ट थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, गलत बात है, ऐसा नहीं होता, द फोर्स मे बी एक्टिंग पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये बिल्कुल सही है, द फोर्स मे बी एक्टिंग पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, मस्ट बोलने पे गलत हो जाएगा फिर, द टॉर्क कॉज बाय ईच इंडिविजुअल फोर्स मस्ट बी जीरो, सभी टॉर्क जीरो होना जरूरी नहीं है, कई बार क्या होगा कि इधर का टॉर्क प्रोड्यूस होगा 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसा भी 5 हो सकता है 5 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, तो हर टॉर्क जीरो होना जरूरी नहीं है, इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क से भी नेक टॉर्क क्या हो जाएगा जीरो, तो ज्यादा सही क्या दिख रहा है ये, इसमें मे भी बोला गया है तो ये मेरे को ज्यादा सही लग रहा है, द फोर्स मे बी एक्टिंग पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, मे बी, ओके, फोर्स मस्ट नॉट एक्ट रेडियली, मस्ट नॉट नहीं यार, ओके, द फोर्स मस्ट नॉट एक्ट थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मस्ट नॉट नहीं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जा रहे हैं तब भी टॉर्क जीरो हो सकता है, रेडियली एक्ट हो रहे हैं तब भी टॉर्क जीरो हो सकता है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 इज परफेक्टली करेक्ट, ओके, थर्ड ऑप्शन सही लग रहा है, थर्ड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट, ये देखो थर्ड ऑप्शन 100% सही है। ठीक है, चलो सवाल नंबर 19 क्या बोल रहा है,
इफ स्पिनिंग स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेस द वेट ऑफ द बॉडी ऑन इक्वेटर. देखो भाई ये अर्थ है, अर्थ ऐसे घूमती है वेस्ट टू ईस्ट इन इक्विटोरियल प्लेन, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्वेटर. यहाँ का जो जी फाइ होता है, जी ई होता है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर होता है. ठीक है, तो अगर ओमेगा बढ़ेगा तो जी कम होगा, जी कम होगा तो वेट भी कम हो जाएगा. अगर ओमेगा बढ़ेगा तो इक्वेटर का जी बढ़ेगा, और अगर आप पोल पे हो तो ओमेगा का पोल वाले पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पे अगर ओमेगा बढ़ता है तो जी ई कम हो जाएगा तो वेट भी कम हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है. आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है द कैपिलरीज ऑफ द सेम. देखो किसकी बात कर रहा है, फॉलिंग द वॉटर फॉलिंग थ्रू द ट्यूब्स बियर रेट. ठीक है, पॉइज़न्स इक्वेशन लगाएंगे, क्यू डिस्चार्ज इज इक्वल टू पी पाई आर टू दी पावर 4 8 ईटा एल. ठीक है, सेम हाइट पे दोनों को कनेक्ट किया गया है तो प्रेशर सेम होगा, पाई ऑलरेडी सेम, 8 सेम, लिक्विड सेम है, ये सेम है, दोनों कैपिलरी ट्यूब की लेंथ भी सेम है, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू दी पावर 4. तो बेटा Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू R1 बाय R2 टू दी पावर 4. R1 बाय 2 कितना है रे, 1:2, 1:2 का फोर्थ पावर, तो 1:16 विल बी द आंसर. तो 1:16 विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. ओके, आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान से सुनो. अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी. ठीक है, तो यहां पे देखो, ये कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी. ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर सी है, इसको वी से चार्ज कर दिया हमने, तो इस पे चार्ज कितना आ गया, सी वी, क्यू इज इक्वल टू सी वी. तो बेटा यहां पे सी वी चार्ज आ गया, यहां पे माइनस सी वी चार्ज आ गया. ठीक है, अच्छा अब क्या किया हमने, इसको डिस्चार्ज कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, फिर अब इसको सेल से डिस्कनेक्ट कर दिया, सेल से डिस्कनेक्ट कर दिया, तो ये सीन होगा इसके पास. A charge plus Q is now given to the positive plate. अब क्या किया बेटा हमने, अब ना हमने इसको plus Q charge कर दिया, plus Q charge इसको दे दिया. ठीक है, तो situation क्या होगी, जरा ध्यान से सुनो. ये जो plate है, इस पे charge क्या आएगा, Q plus CV, ये total charge आएगा, और इस पे क्या आया, minus CV. अब क्या करते हैं बेटा, मान लो इसके अंदर जो charge है वो plus Q है, और इसके अंदर कितना चार्ज होना चाहिए, माइनस क्यू. रुको, इसके डायग्राम थोड़ी सी प्रॉपर बनाता हूँ मैंने. ठीक है ना, एक प्लेट को हमने चार्ज कितना दे दिया, चार्ज दे दिया क्यू. इसको एक देखो भाई, सिंपल सी चीज़ है, हमारे पास क्या था, देखो सिस्टमेटिकली समझाता हूँ. हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, हमने क्या किया, इसको बैटरी कनेक्ट की, पहले तो चार्ज जीरो होगा, फिर हमने इसको वी वोल्टेज से चार्ज किया, तो इस पे कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो गया, सी वी, क्यू इज इक्वल टू सी वी, इस पे कितना हो गया, माइनस सी वी. अब क्या किया हमने, इस प्लेट को क्यू चार्ज एक्स्ट्रा का दे दिया, तो हमें अब इसका क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है. तो सिंपल सी चीज है बेटा, इसके ना अंदर वाले फेस पे चार्ज कितना आ जाएगा, क्यू, तो इसके अंदर वाले फेस पे कितना आना चाहिए, माइनस क्यू. इस प्लेट पे नेट चार्ज इतना चाहिए, अंदर अगर क्यू जाता है तो बाहर कितना आएगा, क्यू प्लस सी वी माइनस क्यू. अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके देखेंगे तो ये आना चाहिए. अच्छा, तो यहाँ बाहर कितना चार्ज आएगा, सर बाहर कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस सी वी प्लस क्यू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना चार्ज आना चाहिए, माइनस सी वी प्लस क्यू माइनस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल, तो कितना आ गया, माइनस सी वी. सबको पता है बेटा, जो कैपेसिटर से प्लेट बनती है उसके इस साइड पे है और इस साइड पे चार्ज कैसे होता है, सेम. तो इस साइड का चार्ज कितना हो गया, क्यू प्लस सी वी माइनस क्यू, इस साइड का चार्ज कितना हो गया, माइनस सी वी प्लस क्यू. ठीक है, अब क्या करेंगे, ये माइनस सी वी को इधर ले लो, क्या हो जाएगा, क्यू प्लस टू सी वी, सही है ना, क्यू प्लस टू सी वी इज इक्वल टू माइनस क्यू, उधर चले जाएगा क्यू प्लस क्यू टू क्यू, तो टू से सबको डिवाइड कर दो, तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू बाय टू प्लस टू सी वी बाय टू, टू से टू कैंसल. तो बेटा जब कैपेसिटर के प्लेट पे चार्ज कितना आएगा, अंदर के साइड पे, क्यू इज इक्वल टू क्यू बाय टू प्लस सी वी. अच्छा, तो अब जो नया पोटेंशियल है V डैश इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाय C होगा, नेट चार्ज बाय कैपेसिटेंस, बिकॉज Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो Q कितना है,
क्यू बाय टू प्लस सी वी डिवाइडेड बाय सी, सेपरेट डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा, क्यू बाय टू सी प्लस सी वी बाय सी, सी से सी कैंसल, तो क्या आना चाहिए वी प्लस क्यू बाय टू सी, वी प्लस क्यू बाय टू सी, वी प्लस क्यू बाय टू सी इज द आंसर, ठीक है इस तरह से। तो कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट। ओके आगे बढ़ते हैं, ये देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक टू का है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक फोर का है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू ई नॉट बाय के, ठीक है। अच्छा तो पहले ना बेटा क्या था, यहीं पे एक्सिस बना लेता हूं मैं, पहले क्या था, पहले मान लो यहां पे एयर भरा था, सब एयर भरा होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, एयर से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी, कितनी ई नॉट। लेकिन अब हमने आधे में डाइलेक्ट्रिक टू रख दिया, आधे में डाइलेक्ट्रिक फोर रख दिया, तो होगा क्या बेटा, यहां जो ई नॉट की मान लो ई नॉट की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, तो अब ई नॉट की वैल्यू यहां पे इतने रीजन में 2 से डिवाइड होगी, बिकॉज वैल्यू क्या होती है ई नॉट बाय के, ई नॉट मतलब विथ एयर एंड ई मतलब विथ डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो जाती है, तो अब यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/2 मतलब 5, तो अब यहां पे वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, ठीक है। और यहां पे 4 से डिवाइड होगी मतलब 10/4 मतलब 2.5 मतलब उससे भी आधा, मतलब ग्राफ कैसे आएगा, यहां पे आधा देन उससे भी आधा, तो कौन सा ऑप्शन, देखो ये तो हट गए भाई, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जहां पे डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटी कम होगी वहां पे फील्ड ज्यादा होगी, जहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा वहां पे फील्ड कम, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ये देखो क्या पूछ रहा है, अ करंट आई फ्लोस थ्रू द यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर डी व्हेन द मीन इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्टेड, ठीक है। देखो बेटा सिंपल सी चीज है, करंट इज इक्वल टू वी ना, वी डी ई एन ए, ठीक है। तो करंट कैसा है, सेम सेम करंट, करंट इज सेम, मटेरियल इज सेम, तो एन सेम, ई सेम, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो हमने क्या किया बेटा, हमने रेडियस, देखो डायमीटर को आधा किया, डायमीटर को आधा किया, तो रेडियस भी कितनी होगी आधा, रेडियस अगर आधा होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी, रेडियस अगर आधा होगी तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आधे का स्क्वायर 1/1/4 मतलब 4 टाइम्स हो जाएगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स, ठीक है। तो 4V इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, देखो यहां से करंट आया, अब यहां करंट कितना जाएगा, देखो करंट डिवाइड हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये रेजिस्टेंस कम है, तो कम में से ज्यादा करंट जाएगा, ये कैसे पता करते हैं, ये कम है ना रेजिस्टेंस, देखो देखो क्या करते हैं, पहले देखो यहां 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 से ये जो वायर है इसमें करंट कितना है आए, तो यहां कितना करंट आएगा, देखो यहां जो करंट आएगा आए में का कुछ पोर्शन आएगा, कितना पोर्शन आएगा, ये रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस रखो 2R डिवाइडेड बाय 2R प्लस R, तो कितना हो जाएगा ये आए इनटू 2R बाय 3R, तो R से R कैंसिल, तो कितना आया 2/3R, ठीक है। तो इसका पावर, इसको मैं बोल देता हूं पावर थ्रू R, इसका पावर पावर थ्रू 3R, हमें क्या बताना है रेशियो किसका किसका, पावर थ्रू R पावर थ्रू 3R, पावर थ्रू R बाय पावर थ्रू 3R इज इक्वल टू करंट थ्रू R का स्क्वायर इनटू R डिवाइडेड बाय करंट थ्रू 3R का स्क्वायर इनटू 3R, ठीक है। करंट थ्रू R का स्क्वायर, R के थ्रू करंट कितना है 2/3I, 2/3I का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/9I स्क्वायर इनटू R डिवाइडेड बाय 3R में करंट कितना है, 3R में करंट कितना है I, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा I स्क्वायर इनटू 3R, तो होगा क्या ये R कैंसिल, ये I स्क्वायर कैंसिल, 9 3 27, तो 4/27 विल बी द आंसर, 4/27 कहीं भी नहीं लग रहा, यहाँ प्रिंट मिस्टेक होगी बेटा, इसको तो भी 4/27 लिख लेना या इसको तो भी 4/27, ठीक है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 4 थी वैसा है, ओके वहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है बिकॉज 4/9 दोनों ऑप्शन ओवरलैप कर रहे हैं, 4/27 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल है बेटा, देखो ये भी सारे रेजिस्टेंस दो हम के, ये दो ये दो ये दो ये दो ये दो, तो ये जो बन गया ना ऊपर का, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, तो आप क्या करो ये कनेक्शन तोड़ दो, ये कनेक्शन तोड़ दो, यहां से इस रेजिस्टेंस का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, तो ये रेजिस्टेंस ही खत्म हो गया, तो अब सिचुएशन क्या बन गई, दो और दो सीरीज में मतलब 4 ओहम, ठीक है। फिर ये दो और दो सीरीज में मतलब 4 ओहम, तो इसका भी कितना हो गया 4 ओहम, ठीक है। और ये बचा कितना 2 ओहम, ये इसमें क्या बच गया
दो ओहम बच गया, ठीक है, और इन दोनों के बीच का हमें रेजिस्टेंस चाहिए। तो सिंपल सी चीज है बेटा, चार और चार पैरेलल में, इन दोनों का मिला के कितना आएगा प्रोडक्ट बाय सम, तो 4 × 4/8, तो कितना आएगा 16/8, तो कितना आएगा 2 ओहम। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओहम। फिर ये 2 के साथ पैरेलल में, तो 2 × 2 प्रोडक्ट बाय सम, तो ये और ये कैंसिल, आंसर कितना आना चाहिए 1 ओहम। 1 ओहम विल बी द आंसर। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके आगे बढ़ते हैं। क्या है ये, डिस्क ऑफ मास m रेडियस r कैरिंग चार्ज q इज रोटेटेड विद एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मैग्नेटिक मोमेंट इज, देखो एक डिस्क है ऐसे रोटेट कर रहे हैं हम, डिस्क है भैया, डिस्क पे क्या चार्ज रखा है हमने, q चार्ज रखा है, डिस्क पे q चार्ज रखा है, और इसको क्या किया, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है r, इसको रोटेट कर रहे हैं ओमेगा स्पीड से। अगर आपको याद होगा गायरोमैग्नेटिक रेशियो का, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय 2m, सही है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M इज इक्वल टू क्यू बाय 2m इंटू एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई इंटू ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा क्यू बाय 2m। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क है, इस वजह से एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा, तो मास से मास कैंसिल, 2 × 2 = 4, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 4, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 4, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाय 4, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो, इसको क्या बोलते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है ना बेटा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ये देखो काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान से सुनो। अ वायर ऑफ मास m हैज शेप ऑफ रिंग ऑफ रेडियस r, वायर इज प्लेस इन xy प्लेन, बना लेते हैं, सुनो देखो, ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एंड ये z एक्सिस है, ठीक है। अच्छा क्या किया हमने, एक रिंग रखी, कौन से प्लेन में, xy प्लेन में, तो देखो बेटा ये रही वो रिंग, ठीक है। अच्छा, इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस डायमीटर पैरेलल टू x एक्सिस, डायमीटर पैरेलल टू x एक्सिस, ऐसे रोटेट करवा रहे इसको, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, अब अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक बी इज स्विच ऑफ, अच्छा ठीक है, तो बी सडनली स्विच ऑफ की गई, बी कहां पे लगाया गया, बी इज स्विच ऑन अलोंग वाई एक्सिस, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है बेटा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फाइंड द एंगुलर स्पीड एक्वायर्ड व्हेन इट इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री एंगल, ये ऐसे घूम रही ना विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो देखना बेटा क्या करेंगे, देखो इनिशियली जो है, इनिशियली डिस्क ऐसे है एंड फाइनली डिस्क ऐसे है, ठीक है ना, ये ऐसी डिस्क जो थी ऐसे रोटेट हो गई 90 से, ठीक है ना, तो इसका जो एरिया वेक्टर है यहाँ पे ऐसा है, दिस इज द एरिया वेक्टर, और ये इनिशियल पोजीशन है इसकी 1, और ये पोजीशन 2 है इसकी, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसा है, ठीक है, और ये सेकंड पोजीशन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो क्या होगा K1 + U1 = K2 + U2, इनिशियली रिंग रेस थी तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी MB नेगेटिव MB cos 90, बिकॉज देखो ना बेटा B किधर है, इधर है, B इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो cos ऑफ 90 डिग्री, ओके। अब यहाँ जब रिंग ऐसे घूम चुकी है तो यहाँ पे इसकी एंगुलर लॉस कितनी है, ओमेगा, वही हमें पता करना है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस MB cos, अब देखो यहाँ पे थीटा बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर, एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना 0, तो cos ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। अच्छा तो क्या होगा बेटा, cos 90 0, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो cos 0 कितना 1, तो माइनस एम बी इधर आके क्या हो जाएगा प्लस एम बी, तो 1/2 I ओमेगा स्क्वायर = m × b, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा तो अब हमें क्या पता करना है, हमें एंगुलर स्पीड बतानी है, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 2 mb/I, समझे कि नहीं, 2 mb/I, और ये I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो 2 का 2 मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या रहता है, I इंटू एरिया, एरिया कितना है पाए आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये पाए आर स्क्वायर इंटू ये बी का बी डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर, कितना रहता बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर रहता एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है, तो क्या हो गया, ये आर स्क्वायर कैंसल, 2 ऊपर चला गया, तो ओमेगा स्क्वायर मेरे हिसाब से हो गया 2 × 2 = 4i πb/m, तो स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट, तो ओमेगा क्या हो जाएगा 4 का रूट निकल जाएगा 2 √i πb/m,
टू अंडर रूट ऑफ आई पाई बी डिवाइडेड बाई एम, टू अंडर रूट ऑफ आई पाई बी डिवाइडेड बाई एम, टू अंडर रूट ऑफ आई पाई बी डिवाइडेड बाई एम। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, ये देखो क्या बोल रहा है। अ थिन मैग्नेटिक नीडल इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन इक्विवेलेंट डायपोल मोमेंट। ठीक है, पहले क्या था, ऐसा थिन था, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी ले लेते हैं एल, ये माइनस एम, ये प्लस एम। अब क्या कर दिया, इसका हमने सेमी सर्कल बना डाला ऐसे, ठीक है। तो ये यहां पे, ये यहां पे, ये माइनस एम, ये प्लस एम, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये कितना लेंगे हम, 2r लेंगे, 2r, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो इनिशियल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, m1 इज इक्वल टू m इनटू l, और फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, m2 इज इक्वल टू m इनटू 2r, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो है ये मेरा पेरिफेरी है l, तो मैं इसको लिख सकता हूं लेंथ बराबर आधा सरकमफेरेंस, आधा सरकमफेरेंस क्या होता है पाई r, तो यहां से r क्या हो जाएगा बेटा l बाय पाई, एल बाय पाई। तो एम टू को क्या लिखूंगा मैं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू इज इक्वल टू एम इंटू टू इंटू आर के जगह एल बाय पाई, ये क्या हो गया एम टू हो गया, ठीक है। अच्छा, तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम परसेंटेज चेंज, डेल्टा एम बाय ओरिजिनल इंटू हंड्रेड, डेल्टा एम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है रे, फाइनल ये है, ये कितना है टू एम एल बाय पाई माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है एम एल डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना है एम एल, तो क्या होगा एम से एम से एम कैंसिल, एल से एल से एल कैंसिल, तो क्या हो जाएगा ये टू बाय पाई माइनस वन, तो इस हिसाब से टू माइनस पाई बाय पाई, टू माइनस पाई बाय पाई इंटू हंड्रेड का इंटू हंड्रेड, परसेंटेज में है ना, तो साथ में हंड्रेड आ जाएगा, टू माइनस पाई बाय पाई, 2 माइनस पाई बाय पाई इंटू हंड्रेड, टू माइनस पाई बाय पाई इंटू हंड्रेड, फाइनल माइनस इनिशियल इंटू हंड्रेड, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 29 का, देखो हाइड्रोजन एटम इज पैरामैग्नेटिक, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक, बहुत ज्यादा अनपेयर्ड होते हैं फेरोमैग्नेटिक, बिल्कुल अनपेयर्ड नहीं होते वो डायमैग्नेटिक। तो हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा तो ये पेयर्ड हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा मतलब क्या होगा, फिर वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, बिकॉज अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, हाइड्रोजन एटम के पास भले ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है लेकिन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है देखो, अ मैग्नेटिक नीडल इज केप्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इतना, मेक्स 30 ऑसिलेशन पर मिनट, ठीक है। इफ इट इज केप्ड इन अ मैग्नेटिक इंडक्शन 2 टेस्ला देन फ्रीक्वेंसी इज, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, पीरियड क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम बी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बी बाय आर, तो इस हिसाब से फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट बी, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट बी, तो बेटा एफ टू बाय एफ वन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी टू बाय बी वन, तो एफ टू हमें पता करना है, एफ वन कितना है 30 ऑसिलेशन पर मिनट, 30 ऑसिलेशन पर मिनट अंडर रूट ऑफ बी टू, बाद का मैग्नेटिक इंडक्शन कितना है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय बी वन, इनिशियल कितना है 0.2 मतलब 1/2 इंटू 10 टू दी पावर कितना है बे माइनस 4, तो 10 टू दी पावर माइनस 4 माइनस 4 कैंसिल, 2 पर चला जाएगा, 2 टू जा 4, 4 का रूट 2, 30 उधर चला जाएगा, तो एफ टू विल बी 60 ऑसिलेशन पर मिनट, 60 ऑसिलेशन पर मिनट, 60 ऑसिलेशन पर मिनट मतलब 1 ऑसिलेशन पर सेकंड, 1 ऑसिलेशन पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 2 कैसे आ रहा है, 60 ऑसिलेशन पर सेकंड, 30 ऑसिलेशन, अ मैग्नेटिक नीडल इज केप्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इतना, इट मेक्स 30 ऑसिलेशन पर मिनट, इफ इट इज केप्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इतना 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है। तो क्या करते हैं देखो, इनिशियल फ्रिक्वेंसी F1 कितनी है 1/2 ऑसिलेशंस पर मतलब 1/2 हर्ट्ज, तो F2 हमें पता करना है, तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट बी, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट बी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या की हमने 0.5 से 4 टाइम्स बढ़ा दी, मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम्स बढ़ा दी, तो ये क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, पर बेटा यहाँ पे मिनट ही चाहिए, 60 ऑसिलेशंस पर मिनट, 60 ऑसिलेशंस पर मिनट, तो इसका क्या करो ऑप्शन नंबर 2 ले लो, 60 ऑसिलेशंस पर मिनट करके ऑप्शन नंबर 2 ले लो,
60 ऑसिलेशंस पर मिनट। ओके आगे बढ़ते हैं, यहां चलते हैं। क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम पोजीशन ऑफ रेस्ट अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्स इन फर्स्ट डिस्टेंस। अरे गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर। ओके अगर रेस से स्टार्ट करता है पहले टी टाइम में एक्स जाता है तो टी से लेके 2t तक मतलब दूसरे टाइम में कितना जाएगा 3x। सिंपल गैलीलियोस लॉज ऑफ ऑड नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये भी अच्छा है। क्या बोल रहा है, अ जगलर थ्रोज अ बॉल इनटू एयर, ही थ्रोज वन व्हेनेवर द प्रीवियस वन इज एट हाईएस्ट पोजीशन। एक फेंकेगा तो एक हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, मतलब कितने हाइट पे, एच हाइट पे। जब पहला यहां होगा तो ये दूसरा फेंक रहा होगा, ठीक है। हाउ हाई डू द बॉल्स राइज इफ ही थ्रोज एन बॉल्स ईच सेकंड। देखो बेटा सिंपल सी चीज है, एन बॉल्स इन वन सेकंड, तो वन बॉल कितने सेकंड में फेंकेगा, वन बाय एन सेकंड में, वन बाय एन सेकंड में। एक बॉल फेंकने के लिए कितना टाइम लेगा, वन बाय एन सेकंड, ठीक है। अच्छा सिंपल सी चीज है, स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब मैक्सिमम हाइट, एच इज इक्वल टू क्या आएगा, यू स्क्वायर बाय 2g। सिंपल ना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, u, इनिशियल वेलोसिटी u से फेंक रहा है तो u स्क्वायर बाय 2g। और टाइम कितना लगेगा उसको, टाइम इज इक्वल टू u बाय g, टाइम इज इक्वल टू u बाय g। यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम कितना लगेगा, u बाय g, लेकिन टाइम कितना ले रहा है, 1 बाय n, तो टाइम की जगह क्या रख सकते हो, 1 बाय n इज इक्वल टू u बाय g। तो इस हिसाब से u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा g बाय n, u क्या हो जाएगा g बाय n, मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस स्टॉपिंग टाइम। तो इस हिसाब से u निकाल लिया, तो ये u वहां पे चिपका डालो तो हाइट क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू u स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, g स्क्वायर बाय n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो एक एक g क्या हो गया बेटा, कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, g बाय 2n स्क्वायर विल बी द आंसर, g बाय 2n स्क्वायर विल बी द आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 33। देखो ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। हमें क्या बोला है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी है 3 meter per second की, जब टाइम कितना है 0। तो अगर टाइम 4 होगा तो हमें वेलोसिटी बतानी है, ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो अगर 8 टाइम पे एक्सेलरेशन 8 है तो जब टाइम 4 होगा तो एक्सेलरेशन भी 4 ही होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ a इनटू dt इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो हमें कब का पता करना है, 0 से लेके 4 तक, ओके तो v माइनस u हो जाएगा ये, तो 0 से लेके 4 तक मतलब 0 से लेके 4 तक, तो इंटीग्रेशन मतलब एरिया भी लो कर 0 से लेके 4 तक, तो ये एरिया और ये एरिया लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर वाला एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस 4 से लेके 0 से लेके 4 तक मतलब 4 इंटू हाइट 4 से लेके 8 तक मतलब 4 प्लस नीचे ये स्क्वायर बन रहा है 4 इंटू 4 इज इक्वल टू वी पता करना है, यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 3 है, 2 2 4 4 2 8 4 4 16 इज इक्वल टू वी माइनस 3, 8 2 16 24 24 इज इक्वल टू वी माइनस 3, माइनस 3 इधर आके प्लस 3, तो वी इज इक्वल टू 24 प्लस 3, तो वी इज इक्वल टू 27 meter per second, वी इज इक्वल टू 27 meter per second, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। समझ आया, सारे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये क्या बोल रहा है, ये जो प्रॉब्लम है ना सिंपल सी चीज है, यहां ना बेटा ऐसे स्टीयर्स है ऐसे, ठीक है, तो ये पहली ये दूसरी ऐसे करके ये जो आखिरी है ये कितवी स्टीयर है, ये एन स्टीयर है, एन है या, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है ना बेटा, ओके यहां से हमने क्या किया, एक बॉल को यू वेलोसिटी से फेंका, ठीक है, तो जो एक्स है ये हाइट है इसकी, ये जो है ये एक्स हाइट है, और ये जो विड्थ है ये कितनी है, वाई है। तो ये जो पूरा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गया, एक का अगर वाई है तो एन का कितना हो जाएगा, एन वाई, एक का अगर एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, एन का कितना हो जाएगा, एन एक्स हो जाएगा, एन एक्स। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, एक्स डायरेक्शन की, एक्स डायरेक्शन की, तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है एन वाई अपॉन टाइम कितना है टी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन वाई अपॉन यू, ओके। अच्छा वाई डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर। बेटा ये जो धक्का दिया गया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये पूरा जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये कितना है एनएक्स, एनएक्स इज इक्वल टू ये हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा एन स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। तो एक एक एन क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा एक्स इंटू टू, टू एक्स इंटू यू स्क्वायर, टू एक्स इंटू यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू एन इंटू वाई स्क्वायर। तो यहां पे एन कितना हो जाएगा टू एक्स यू स्क्वायर बाय जी वाई स्क्वायर, टू एक्स यू स्क्वायर बाय जी वाई स्क्वायर, टू एक्स यू स्क्वायर बाय जी वाई स्क्वायर, टू एक्स यू स्क्वायर बाय जी वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर थ्री इज करेक्ट। ठीक है आगे बढ़ते हैं, ये देखो क्या बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमने वाले के लिए एक्सेलरेशन कितना है, रेडियल एक्सेलरेशन है 7g। ठीक है हमें क्या पता करना है रिवोल्यूशंस पर सेकंड, तो ये होता है आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 7g, आर ओमेगा स्क्वायर आर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू जी। ठीक है तो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू जी की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई ये 4 इंटू पाई स्क्वायर का पाई स्क्वायर इंटू रेडियस कितनी है, रेडियस है 5, 5 1 1 5 2 10 7 4 7 2 14 14 by 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो एफ क्या हो जाएगा रूट 14, बिकॉज सारे ऑप्शन में रूट 14 दिख रहा है, रूट 14 बाय 2 पाई स्क्वायर हर्ट्स या रिवोल्यूशन पर सेकंड, रूट 14 बाय 2 पाई, सॉरी रूट 14 बाय 2 पाई बिकॉज 4 का रूट 2 और पाई स्क्वायर का 5, रूट 14 बाय 2 पाई रिवोल्यूशन पर सेकंड, रूट 14 बाय 2 पाई रिवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ये चलते हैं क्या बोल रहा है, मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना एंगस्ट्रॉम इंसिडेंट ऑन अ सरफेस इफ इंटेंसिटी इज इतना, तो रेट एट विच फोटोन स्ट्राइक। देखो भाई इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो इंटेंसिटी होता है एनर्जी ऑफ फोटोन इज एन एच सी बाय लैम्बडा बाय टी इंटू ए, हमें पता करना है एन बाय टी नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। तो एन बाय टी क्या हो जाएगा, एन बाय टी विल बी इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेवलेंथ बाय एच इंटू सी। देखो इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी है 150 मिलीवाट है, तो 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर ना, वेवलेंथ कितना है 3000 एंगस्ट्रॉम मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 सी 3 इंटू 10 टू द पावर 8। देखो बेटा सबसे पहले तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, अब क्या करेंगे देखो माइनस 34 प्लस 8 माइनस 26, माइनस 26 ऊपर जाके प्लस 26। ठीक है 7 और 4 11 और 3 14, तो 26 में से 14 आ गए 12 बराबर ना, 26 में से 14 गए 12 बिल्कुल सही है। तो 150 into 4 डिवाइडेड बाय 150 into 4 डिवाइडेड बाय 6.63 into 10 to the power 12, 10 to the power 12 सही है, अच्छा ठीक है भाई। तो अब क्या करता हूँ मैं 10 to the power 12 plus 1 कितना हो जाएगा 10 to the power 13 और ये कितना है 15 चौक 60 by 6.63, तो 6 से काटूंगा तो 10 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, तो 10 से थोड़ा सा कम मतलब 9 point something into 10 to the power 13, 9 point something into 10 to the power 13। ठीक है तो ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखो ये जो होता है डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर क्या होता है म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1। तो म्यू वी कितना है वायोलेट का सबसे ज्यादा, ओके फॉर रेड येलो वायलेट, वायलेट का कितना है 1.805 माइनस म्यू आर, रेड का सबसे कम 1.790 डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1, वायलेट येलो का कितना है येलो का है 1.795 माइनस 1। तो सब्सट्रैक्शन करेंगे 5 माइनस 0 5, 10 माइनस 9 1, 7 माइनस 0 0.0 डिवाइडेड बाय 0.795। तो बेटा ये हो जाएगा 15 बाय ऑलमोस्ट 800 कर लेते हैं इसको, 795 को 800 कर लेते हैं,
तो कितना होगा ये, 5 3 15, 5 1 1, 5 6 3, 5 6 30, 0. तो 3 1 1, 3 5 15, 16, 3 3 9, मतलब लगभग 1/50 आ रहा है, 1/53 आ रहा है. तो इसको 1/50 कर लेते हैं, 1/50, तो 0.2/10, तो 0.02, तो 0.02 से भी छोटा, 0.02 से भी छोटा, क्योंकि हमने 800 लिया था, है कितना 795, तो बड़ा लिया था तो आंसर छोटा आना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये आ जाना चाहिए 0.0189, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, ये देखो सिंपल सी चीज़ है, ये जो है ये 15 होल्ट का है, तो ये भी कितना होगा 15 होल्ट. हमने वोल्टेज कितना लगाया 20 होल्ट, 20 का 15 इसने ले लिया तो 5 होल्ट इसने ले लिया, तो यहाँ का करंट पता करते हैं और यहाँ का करंट पता करते हैं. तो इस जंक्शन पे ये करंट क्या हो जाएगा, दिस करंट इज करंट थ्रू लोड, दिस करंट इज करंट थ्रू जीनर डायोड, दिस करंट इज करंट थ्रू सोर्स. हो गया तुम्हारा काम, करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस का करंट, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितना है 15, रेजिस्टेंस कितना है 1 kV, तो बेटा कितना आएगा 15 mA. अच्छा, करंट थ्रू सोर्स, ये सोर्स का करंट पता करते हैं, वोल्टेज कितना है 5 और ये कितना है 250, ठीक है. तो ये कितना आएगा 1/50 A, तो मिली एम्पियर मतलब 1000/50 mA, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना आएगा 20 mA. देखो कितना आसान हो गया, अब यहाँ से 20 निकला और क्या हुआ 15 आगे गया, तो यहाँ कितना बचा 5 mA. सिंपल है, तो कौन सा आंसर है 5 mA, सही कि नहीं. ये 15 इसको दे दिया, टोटल 20 दिया था, 15 इसने लिया तो 5 इसने लिया. यहाँ का करंट पता करो, यहाँ का करंट पता करो, यहाँ जो करंट आ रहा है ये करंट यहाँ गया, बचा हुआ यहाँ आ गया, तो यहाँ करंट कितना था 20 mA, 15 वहाँ गया तो 5 यहाँ आ गया, ठीक है. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. ओके, आगे बढ़ते हैं, क्या है भाई, देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है, C13 से न्यूट्रॉन निकालना है, तो C13 से न्यूट्रॉन निकालोगे तो C12 बच जाएगा और 0N1 हो जाएगा. तो बाइंडिंग एनर्जी टू रिमूव द प्रोटॉन इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C13 माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C12. तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C13 मतलब 13 × बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर C13 की कितनी है, C13 की है 7.47 माइनस इसका ये कितना है 12 × इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर कितना है 7.68, ठीक है. कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, अपने पास टाइम नहीं है ज़्यादा, टाइम नहीं है तो टाइम नहीं है, बता देता हूँ इसको, कैलकुलेटर से कर लेते हैं. आजा भाई कैलकुलेटर निकल, देखो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं इसको क्लियर. ये कितना है 13 × 7.47, ये आता है 97.11 माइनस 12 × 7.68, ये आता है 92.16. तो 97.11 माइनस 92.16 ये आता है 4.95 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. ओके, आगे बढ़ते हैं, 3 इज गए ना, यस 40. देखो क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी एंड टाइम. देखो भाई क्या होता है, टाइम टी इज इक्वल टू होता है 2πr/v. ओके, तो टी वी इज इक्वल टू 2πr, तो टी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, हमें पता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है एन स्क्वेयर, तो हम क्या लिख सकते हैं टी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वेयर. तो हमें किसकी किसकी पता करना है, सेकंड और थर्ड, तो टी वी इन थर्ड ऑर्बिट बाय टी वी इन, सॉरी पहले सेकंड है ना, सेकंड टू थर्ड है, टी वी इन सेकंड ऑर्बिट टू टी वी इन थर्ड ऑर्बिट इज 2² / 3² 2² 4 3² 9 4/9 इज द आंसर. सिंपल, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. ओके, आगे बढ़ते हैं, देखो अगर तुम
ओके तो ये है, यहाँ पे एक रॉड है, हमें क्या पता करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड आर पता करना है, क्यू और आर के बीच में। जरा ध्यान से सुनो बेटा, अगर मैं ये रॉड कंप्लीट कर लेता हूँ तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर बनता है तो लूप बनता है, लूप बनता है तो इफेक्टिव लेंथ, यहाँ ना बेटा ये ऐसे इनवर्ड बी भी होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर लूप बनता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन लूप इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज इफेक्टिव लेंथ जो होती है लूप की कितनी होती है, जीरो होती है। ठीक है भाई, अब मुझे पता है, अब इस लूप को मैं क्या करता हूँ, तीन रॉड का सोचता हूँ, ये एक रॉड, ये एक रॉड, ये तीसरा रॉड, यहां से हम इसको रोटेट करवा रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब देखो सिंगल रॉड अगर होगा, सिंगल रॉड का इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय टू, इसका भी कितना होता है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय टू। तो बेटा अगर तीनों का मिला के इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो आना है तो ये जो है इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना चाहिए, जीरो। क्यों भाई, बिकॉज इसका माइनस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय टू होगा तो इसका प्लस बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय टू होगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, बिकॉज रॉड तो इस एंड के अबाउट घूम रहे हैं, तो इसका और इसका जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो सेम होगा मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बचा रॉड, तो इसका ईएमएफ कितना चाहिए, जीरो। तो वी क्यू माइनस वी आर कितना आना चाहिए, जीरो। इस रॉड के अक्रॉस अगर यहां रोटेट करवाते हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आना चाहिए, जीरो, 41 का टू। ठीक है, 42 क्या बोल रहा है, अ कॉइल ऑफ इंडक्शन इतना, व्हाट इज द वेवलेंथ, ठीक है, रेजोनेंस सर्किट के लिए एफ इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2π√LC। ओके अच्छा, तो हमें क्या करना है, व्हाट इज द वेवलेंथ, एफ की जगह क्या रखेंगे, सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1/2π√LC, लैम्डा उधर ले जाओ, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, C2π√LC, सही है। तो सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ इंटू 6.28√ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस कितना है, 0.4 mH, मतलब 10⁻³ इंटू कैपेसिटेंस कितना है, 400 pF, मतलब 400 × 10⁻½। ठीक है, तो ये 3 × 10⁸ इंटू 6.28 इंटू, यहाँ देखो बेटा इसको इधर ले लेता हूँ मैं, तो एक काम करते हैं, ये कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 160 इंटू 10⁻¹⁵ हो जाएगा, -15, ये कट गया तो -14 हो जाएगा, तो इसका 4 निकल जाएगा, तो 3 × 4 × 10⁸ इंटू 6.28 इंटू इसका तो भार आ गया ना, मजा कितना, -14 का कितना, -7। ठीक है, 4 × 3 = 12, तो 12 × 6.28 इंटू 7 × 8 में से तो एक ये इधर सरका लेते हैं, तो मतलब 10 बचे, तो 10 बचे तो इधर सरक गया, तो 12 × 62.1, 12 × 48 = 8, 4 12 × 24 = 25 – 26 – 27 – 28 – 8 – 2 12 × 72 – 73 – 74 74, तो एक के बाद, तो 748.8 कहाँ गलती कर गए हम, 748.8 मतलब ये नज़दीक का है, इसको कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर थ्री आ रहा है भाई, 753, ये कर लेना यार, आपके लिए होमवर्क है, कैलकुलेशन कर लेना, ये आंसर है इसका 753। ठीक है, यहाँ चलते हैं, क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ इंटेंसिटी इतना स्ट्राइक ऑन अ मिरर परपेंडिकुलर, देखो भाई सिंपल सी चीज़ है, जब ये टकरा के वापस आता है तो जो प्रेशर होता है वो होता है 2I/C, और जब ये टकरा के एब्सॉर्ब हो जाता है तो प्रेशर होता है I/C। अब समझ नहीं आ रहा कि ये टकरा के वापस आएगा कि एब्सॉर्ब होगा, तो बेटा यहाँ पे देखो मिरर बोला है, मिरर इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो टकरा के वापस आएगा, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, मिरर बोला है तो रेडिएशन प्रेशर टकरा के वापस आने के लिए 2I/C इंटू एरिया, तो 2 × 2I मतलब इंटेंसिटी कितना है 10 डिवाइडेड बाय सी, सी कितना है, सी स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ इंटू एरिया कितना है 20 × 10⁻⁴। चलो अपना काम अब हो जाएगा, ये एक, ये दो, ये +8 ऊपर जाके -8 −4 − 12 − 12 + 2 − 10, तो 2/3 × 10⁻¹⁰ न्यूटन। अरे कहाँ गलती कर भैया, 2 × 2 = 4 – 4/3 × 10⁻¹⁰ −10 तो ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं,
देखो सिंपल सी चीज है, अगर आप मोटी लेंस यूज करोगे तो मोटी लेंस इज लाइक ग्लास प्लेट। तो ग्लास प्लेट में क्या होता है, जो इमेज होती है लैटरली डेविएट हो जाएगी। हमने सीखा था ना भाई, देखो ये अगर ग्लास प्लेट रखते हो आप, यहां से रे इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्रैक्टेड देन रिफ्रैक्टेड, तो जो ग्लास रे है लैटरली क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है। एक्चुअली इधर जाना चाहिए लेकिन डेविएट होके इधर जाता है, तो लैटरली डेविएटेड इमेज मिलेगी। अगर मोटी लेंस यूज करते हो तो लैटरली डेविएटेड इमेज मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सी चीज है, देखो आई नॉट इंटेंसिटी है हर इंडिविजुअल इसकी, तो पहला और दूसरा वेव में फेज डिफरेंस कितना है 2π/3 का। मान लो इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका भी एम्पलीट्यूड ए है, दोनों में फेज डिफरेंस 2π/3 मतलब 120 डिग्री अगर बैठता है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी कितनी आएगी, ए। तो बेटा अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी ए आ गई तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी कितनी आ जाएगी, आई नॉट। देख भाई इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, इन दोनों को सुपर इम्पोज किया मतलब फेज डिफरेंस कितना 120, तो एम्पलीट्यूड कितनी है ए, तो इंटेंसिटी भी कितनी होगी आई नॉट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन कैन बी प्रोड्यूस बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन अ सर्टेन वेवलेंथ, इतना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू वेव। देखो भाई आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या रहता, एच न्यू एनर्जी इंसिडेंट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स, ठीक है। तो एच न्यू को क्या लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्बडा इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा नॉट प्लस के मैक्स। ओके तो प्लस इधर आके माइनस, तो के मैक्स क्या हो जाएगा, के मैक्स विल बी एच सी कॉमन इन ब्रैकेट 1/λ माइनस 1/λ नॉट। तो एच कितना है 6.63 × 10⁻³⁴ × 10⁻³⁴ × 10⁻⁸, ये आंसर जूल में आएगा, इसको ई से डिवाइड करना पड़ेगा। 1/λ इंसिडेंट कितना है 1000, तो 1 × 10⁻⁷ −1/2 × 10⁻⁷, वो वेवलेंथ कितनी है 2000 मतलब 2 × 10⁻⁷। ये −7 कॉमन निकल के ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 6.63 × 3/1.6 × 10⁻⁹, ये कितने बजे 10⁻²⁶। ओके और × 10⁻⁷ आ गया, −7 कॉमन निकल प्लस हो गया, 1 − 1/2 मतलब कितना आ गया 1/2, ठीक है। ठीक है तो 16 × 32 और ये ऑलमोस्ट कैंसिल, और क्या बचा फिर ये 6.63 × ये −19 ऊपर जाके +19, 19 और साथ 26 −26 कैंसिल, तो लगभग 6.63 ये आंसर आना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है। 47 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, द पोजिशनल डिफरेंस वी बी माइनस वी है, ध्यान से सुनो बेटा, ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, इसका पोटेंशियल वी ए, इसका पोटेंशियल वी बी, तो वी बी माइनस वी ए है ना, तो कहां से कहां जाएंगे, ए से बी तक, इनिशियल से फाइनल जाएंगे, इनिशियल से फाइनल। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स है 4, 0, 0 और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 10, 3, 0, ठीक है। तो पोजिशन वेक्टर, वेक्टर आर क्या बनेगा, वेक्टर आर विल बी फाइनल माइनस इनिशियल, तो वेक्टर आर बन जाएगा फाइनल 10 − 4 मतलब 6i, 3 − 0 + 3j वो तो 0 हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 5i, ठीक है, किलो वोल्ट, बहुत बढ़िया। तो v क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस vb माइनस va इज इक्वल टू माइनस e डॉट वेक्टर r, तो माइनस का माइनस, e कितना है 5 कैप वेक्टर i किलो वोल्ट, और डॉट वेक्टर r कितना है 6i + 3j, 6 × 5 = 30, तो −30 kV विल बी द आंसर, −30 kV विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो मैंगनीन जो है ना उस पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट डिपेंड नहीं करता, देखो ये तो बकवास चीज है, ये कोई करेक्ट ग्राफ है नहीं, ये प्योर मेटल के लिए आता, ठीक है, ये सेमीकंडक्टर के लिए आएगा, तो बचा कौन सा, ये, ठीक है। मैंगनीन की जो कंडक्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी होती है, ऑलमोस्ट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, वैसे तो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ग्राफ होना चाहिए, नहीं है इसलिए वो लिखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। यहां चलते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, टू ट्यूनिंग फोर्क ए एंड बी, हमारे पास एक ट्यूनिंग फोर्क है ए, एक ट्यूनिंग फोर्क है बी, ठीक है। तो ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है 336 और बी की कितनी है 340 Hz, ठीक है। अब When sounded with fork A, एक रस्सी है हमारे पास, एक स्ट्रिंग है,
तो when sounded with fork A, it used certain beats. इसके साथ ट्यून किया तो इसके n beats सुनाई दे. Number of beats मतलब फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस. And when sounded with another fork B, the feed frequency is doubled. और इसके साथ अगर इसको साउंड किया तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? डबल हो गई. बीट फ्रीक्वेंसी डबल हो गई. तो और क्या पढ़ा? द फ्रीक्वेंसी ऑफ गिटार स्ट्रिंग इज लेस देन दैट ऑफ ए. गिटार की स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी इससे कम है. इससे कम है मतलब इन दोनों के बीच में अगर n बीट्स है तो इन दोनों के बीच में कितना है? 2n बीट्स सुनाई दे. ठीक है ना? तो ये कब हो सकता है? अगर अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, इसकी फ्रीक्वेंसी रस्सी की 332, अगर रस्सी की 330 है तो इन दोनों के बीच में देखो कितना आएगा. 336 माइनस 332 4, और 332 माइनस 342 कितना? 8. तो ये n हो गया, ये 2n हो गया. तो रस्सी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 332 हर्ट्ज. तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. ठीक है, लास्ट सवाल. 15 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट. आरएमएस इज इक्वल टू वीआरएमएस बाय एक्ससी. वीआरएमएस, वीआरएमएस जो दिया होता है वो वीआरएमएस होता है. 220 बाय एक्ससी क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी. तो आरएमएस क्या हो जाएगा? आरएमएस इज इक्वल टू 220 इनटू ओमेगा सी, में ऊपर चला जाएगा तो 2 पाई एफ सी हो जाएगा. तो ये 220 इनटू 2 इनटू पाई की वैल्यू 3.14 इनटू फ्रीक्वेंसी 50 इनटू 50 माइक्रोफेराड, तो 50 इनटू 10 टू द पावर माइनस 6. ठीक है, 50 दुने 100, 100 और ये एक जीरो कटा देते हो 3, तो ये कितना बचता है? 10 टू द पावर माइनस 3. ठीक है, तो ये 15 दुनी 30 हो जाए 330 इंटू 3.14. तो ये एक, ये दो, ये तीन हटा दिए तो क्या हो गया? 0.33 इंटू 3.14. तो इसका परफेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर लो, आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा आपका. कौन सा? ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. ना एक से थोड़ा सा बड़ा, ऑब्वियस है ना, एक से थोड़ा सा बड़ा आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया ये तुम्हारा खत्म. ओके, तो पूरा पेपर हमने सॉल्व कर लिया, इसको ढंग से देख लेना. हम कोशिश करते हैं और भी पेपर अपलोड करने के. तब तक आप पढ़ते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.